जोहार साथियों, सीआरपी से 499 जिसमें मानहानि की बात की गई वो एक संयुक्त अक्षर है, मान और हानि। मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। सीआरपीसी की धारा 499 ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। ये कहां कहां जाते हो गया, भाषा भी नहीं मालूम आपको। मैं तो अपनी पार्टी की ओर से 11,00,000 तक खर्चा करूंगा जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। पार्टी 11,00,000 रुपए उसमें खर्चा करेगी। आपका डॉक्यूमेंटेशन है, क्या करवा रहे हैं अपने लोगों से? आपका संगठन थाना जाता है, अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोग। लंबा लंबा बात, जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास में पहुंचते हैं? और ये कहा जाता है कुछ एजेंसियों द्वारा 36,00,000 रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36,00,000 रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं, मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है, और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिवू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन।
राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हो? बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को, गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? एन केन प्रकारेण ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे, एक तो कहता प्रकट हुए, कोई बोलता लापता थे, तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? 40 घंटा, मतलब जब कोई शयन कक्ष में हो, प्रसाधन में हो, डाइनिंग हॉल में हो, नहा रहा हो, वो भी घंटा। भाषा में इतनी नीचता आता कहां से इन लोगों के जिह्वा? हमको तो लगता है कि अब तो उपयुक्त समय 2024 जब हम लोग ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके उनको आइसोलेट करें। धन्यवाद। फ्लाइट से तो वो जो होता है मैक्सिमम वो फ्लाइट से ही आए, तो आखिर सीएम गए ये सबको पता है? कैसे गए, आए कैसे ये किसी को नहीं पता। आप लोगों का सवाल समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, कोई व्यक्ति यदि विमान से जाए तो विमान से ही लौटे, ट्रेन से जाए तो ट्रेन से ही लौटे, बस से जाए तो बस से ही लौटे। आपको याद होगा कोरोना काल में महाराष्ट्र से लाखों लोग पैदल अपने घर की ओर चले थे और घर तक पहुंचे भी थे, 2,000-2,500 किलोमीटर दूर, लेकिन घर तो आ गए थे। वही तो सवाल है सर, क्या कोई डर सता रहा है कि कल ईडी कोई डर सता रहा है कि कल ईडी गिरफ्तार कर सकती है? पूछताछ में क्या ऐसा कोई डर है क्या? आप लोगों को डर लगता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। दादा बीजेपी का ये कब तक सीएम भागते रहेंगे, उन्हें होटवार जेल जाना ही होगा, अभी पीसी चल रहा है सर, बोल रही है। अरे बाबूलाल जी, आपका उम्र हो चुका है, आप नहीं भाग पाइएगा। आपको हम लोग 24 में ऐसा पकड़ेंगे कि आपको इस ऐसे खातिरदारी करेंगे आपका कि वो मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सुप्रीम जी, आज जो बैठक हुई उस बैठक में हेमंत जी की पत्नी भी वहां पर शामिल थी, तमाम विधायक शामिल थे,
तो क्या सेकंड लाइन पर भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं कि क्या अगर ईडी की तरफ से कोई एक्शन होता है कल तो सरकार को कैसे बचाना है, कैसे चलाना है, क्या उस लाइन पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आपका दिमाग जितना तेज दौड़ता हम लोग उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे। पहले तो मैं कह दूं कि विधायक दल की बैठक 7 बजे से है। एक अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। दादा, वर्तमान राजनीतिक हालात में आपके यहाँ विधायक सीता सोरेन दिल्ली में है, क्या पार्टी को इसकी जानकारी है? पार्टी को बहुत अच्छे से जानकारी है। सीता सोरेन जी भी दिल्ली में है, हमारे एक विधायक रामदास सोरेन जी भी इलाजरत है अस्पतालों में दिल्ली में। अच्छा दादा, बाबूलाल जी ने कहा है कि मैं जेएमएम के मुकदमा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, आप जो कह रहे हैं मुकदमा करेंगे उस पर? निश्चित तौर पर उनको तैयार करना चाहिए। अच्छा, राजभवन आप डीजीपी गए, होम सेक्रेटरी गए, चीफ सेक्रेटरी गए, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सीएम की भी जानकारी लेते दिख रहे थे जैसा जानते हो, क्या राजभवन ने डायरेक्ट सीएमओ से कुछ पूछा या जानकारी ली उनकी जो चिंता मुख्यमंत्री को लेके थी या लॉ एंड ऑर्डर को, तो सीएमओ से संपर्क साधने की कोशिश हुई है राजभवन से? क्या देखिए, अब राजभवन क्या क्या करता है हमको तो बताता नहीं और सीएमओ क्या क्या करता है ये भी हमको नहीं मालूम। दादा, क्या भाजपा हेमंत सोरेन को अपनी ओर आने का न्योता दिया था? कौन बोल दिया? चावल आप ही पाक रहे थे। दादा, ये वाला एक सरल सवाल ही वो शुरू में ही किया था कि जैसे हेमंत जी आज आए, कल आए, कैसे आए, ये राजनीतिक जनता जानना चाहती है। मैं तो कल ही आपको कह चुका था, आपने कहा था कि वो आ जाएंगे। मेरे आ गए, सवाल समाप्त वही हो जाता है। तो क्या पैदल आए? जैसे कोरोना काल में पैदल सब आया, वैसे पैदल आए क्या? हम लोग बचपन में ना हामागुड़ी देते थे, मतलब हाथ और घुटने के बाद चलते थे, वैसे ही आए। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन, निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया है कि आपके जो दो विधायक मिसिंग है वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं कल्पना सोरेन को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर मानने के लिए। निशिकांत दुबे जी को बोलिए वो ट्वीट करते रहे, उनको रिट्वीट हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में कर देंगे। अच्छा, इससे अलग एक सवाल है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो आंदोलन, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसे सब यही जाना, क्या उनसे ये बात पूछी है कि छात्र मांग कर मंत्री किसी बात से भी अनभिज्ञ नहीं, आप लोग क्या डिमांड करेंगे वो हम लोग सोच रहे हैं।